हेलो एवरीवन, सो दिस इज सीए श्रुति मोदी और आज हमारे साथ हैं हमारे प्रोफेशनल हब के टॉपर पार्थ जालान। हाय पार्थ। हेलो मैम। सो कैसा लग रहा है आपको सीए फाउंडेशन के अंदर नवंबर 2022 में शेखावाटी टॉप करके? अच्छा लग रहा है। और आपकी सीए फाउंडेशन की स्टडीज की जर्नी कैसी रही? जैसे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम लोग लास्ट में बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, हाँ, तो आपको कब स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए या फिर आपकी स्टडी जर्नी कैसी रही है? मुझे सबने ऐसे ही कहा, ऑफ कोर्स नितिन सर ने भी ऐसे ही कहा कि आपको शुरू से पढ़ाई पे कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। शुरू शुरू में तो हमारा ये रहता था कि हम शुरू में आते थे कोचिंग से, घर पे आते थे और जितना क्लास में पढ़ा है उतना कर लेते थे। वो धीरे धीरे वो टाइम का शेड्यूल बढ़ता गया और उसके बाद में पेपर के टाइम पर अपन ने थोड़ा बाकी सब छोड़ दिया एक बार के लिए, और बाकी बाद में पेपर के टाइम पर हमने पूरा फोकस किया पढ़ाई के अंदर। इसके अलावा बीच बीच में हमारे ऐसा होता था कि कभी भी हमें ऐसा नहीं हुआ कि हमें पढ़ाई के लिए प्रेशराइज किया गया। बीच बीच में हमारे एक्टिविटीज को हो जाती थी, ये सब बच्चों के बर्थडे मना दिए थे और कभी हम मूवी देख लेते थे क्लास के अंदर ही, दो चार बार तो क्लास भी बंद करी है, पर उसमें कभी इतना पढ़ाई का लॉस हुआ नहीं। हमारे रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल थी तो उसमें भी बहुत फायदा रहा। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि एकदम प्रेशराइज होके आपने कभी भी स्टडीज नहीं करी? सर ने मुझे साफ मना कर रखा था कि आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होना। ओके, और लास्ट टाइम में कितने आवर्स आपने स्टडी करी, जैसे कि लास्ट वन मंथ के अंदर? क्योंकि लास्ट वन मंथ हमारा बहुत क्रूशियल होता है किसी भी सीए स्टूडेंट के लिए, किसी भी लेवल पर, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो। तो आपने लास्ट मंथ के अंदर अपना क्या शेड्यूल मेंटेन करके रखा? बेसिकली मेरी तो लॉ बहुत वीक थी तो मैंने शुरू शुरू में लास्ट के 10 दिन खाली लॉ पढ़ी थी। okay. और उन 10 दिनों के अंदर मैंने 3 बार लॉ की बुक को पढ़ लिया था। ओके, सो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने लास्ट में मतलब एक सब्जेक्ट का 3 बार भी रिवीजन कर सकते हो? हाँ। ओके, दैट्स पॉसिबल। हाँ, लास्ट में मेरे को दीदी ने जिस हिसाब से बताया और बाद में मयंक सर से मैंने बात करी, उन्होंने मुझे कह रखा था कि तुझे कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे फोन कर सकते हो, तो मैंने भी उन्हें फोन पे कई चीजें पूछी। फिर दीदी ने भी मुझे टिप्स बताई कि ऐसे पढ़ा कर वैसे पढ़ा कर। एक स्मार्ट स्टडी होती है कि हम एक एक लाइन बुक की 3 बार नहीं पढ़ सकते 10 दिन के अंदर। शुरू में पहले शुरू के 5 दिन में तो एक बार पढ़ने में टाइम लगा, फिर हमें 3 दिन में दूसरी बार पढ़ा, फिर अगले 2 दिन में अपन पढ़ लिए वापस। मतलब एक तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में आपने उसके लिए ज्यादा टाइम दिया, सेकंड रिवीजन में ऑटोमेटिकली उस चीज के लिए टाइम कम दिया, तीनों रिवीजन में बराबर टाइम ना देके आपने हर रिवीजन में टाइम को कम किया, इसलिए आपके रिवीजन बढ़ गए। और बाद में लास्ट के 20 दिन के अंदर मेरे चारों सब्जेक्ट सही हो गए थे, इसलिए मैंने 20 दिन के अंदर चारों को इक्वल टाइम दिया। उसके अलावा उससे ज्यादा मैंने घर पे खुद के पेपर लिए थे, फिर दीदी से चेक करवा रही थी, दीदी खुद भी अभी इंटर कर रही है तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ। पेपर देने से टेस्ट सीरीज बहुत बेनिफिशियल होती है किसी भी पेपर के लिए, क्योंकि पेपर के अंदर अपना स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है बेसिकली आपको जब आप टेस्ट सीरीज देते हो, आप रिवीजन टेस्ट देते हो, आप मॉक टेस्ट पेपर्स देते हो, सो आपको पता चलता है कि उस टाइम में जब आप एक्चुअल एग्जाम देने वाले हो आपको क्या स्ट्रेस फील होने वाला है, वो आपको मैनेज करना ऑटोमेटिकली आ जाता है। हो जाता है, मतलब क्लास में कई बच्चे ऐसे मेरे से ज्यादा होशियार है, मेरे से ज्यादा पढ़ते हैं, पूरा टाइम देते हैं पढ़ाई के अंदर, पर उनको पेपर इतने नहीं लिए होंगे जिस हिसाब से मैंने लिए थे। मैंने कम से कम मैं दिन में 2 पेपर लिए थे। पहला अकाउंट्स का चलता था, दूसरा लॉ का चलता था और वो रोज पेपर होते थे। मैंने सर को फोन करके इतना परेशान किया कि मुझे और पेपर भेजो और पेपर भेजो। सो आपने पेपर मतलब कि अपने टेस्ट देने पर ज्यादा फोकस रखा, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर हो गए होंगे मुझे लग रहा है, जितने टेस्ट अपन देते हैं उतने ज्यादा भी क्वेश्चन कवरेज होता है। About 40-45% पेपर जो लॉ का था और मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें उसी में से आया था। ओके, सो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक टिप अगर सबको देना चाहो कि अच्छा बाकी सब तो अपने अपने हिसाब से अपना पाथ चूज करते हैं पढ़ने का, लेकिन एक टिप कुछ ऐसा स्पेशल जो तुमको बाकी से अलग टॉपर बना दे? ऐसी कोई खास टिप मेरे पास नहीं है, मैं सबके जैसा ही पढ़ता हूँ। बस मेरा ये है कि मैं शुरू शुरू से पढ़ता हूँ तब पहली बात तो उसको पूरा समझने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद उसके नोट्स बना देता हूँ। अब अपन हार्डवर्क करके नोट्स नहीं बनाते, हम बुक के अंदर ही वो अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया, उस हिसाब से रख दिया, उसके बाद में लास्ट में उसको पढ़ लो 2-3 घंटे में जितना उसको पढ़ सकते पूरी बुक को उतना पढ़ लिया, और बाद में उसको पेपर दे दो उसी दिन।
चलो शुरू के दिनों में हम जो स्कूल क्लास में पढ़ते पढ़ते हैं। हैं हाँ वो घर पे जाके हम रिवाइज कर सकते हैं, कोई होमवर्क मिला है वो कर लिया, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कुछ मैंने दिया नहीं उसमें एफर्ट। उसके बाद मैं धीरे 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 पढ़ाया, जैसे जैसे अपना कोर्स होता गया तो पहले का रिवाइज कर लिया, जिससे अपने दिमाग में रह गया वो। मैं तो ये भी मानता हूँ दूसरों को बताने से भी अपने को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, दूसरों को बताने से। क्योंकि मैंने जैसे मान लो मेरे दोस्तों को, जैसे एक दो दोस्त है उनको लॉ पढ़ाई थी, तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ क्योंकि मेरे को भी वो रिवाइज होता था साथ साथ एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो ट्रू। अगर आप दूसरों को रिवीजन कराते हो या दूसरों को कुछ भी बताते हो तो उससे एक्चुअली आपका खुद का सेल्फ बेनिफिट होता है, क्योंकि वो आपका खुद का रिवाइज होता है कहने के अंदर, है ना। सो आप दूसरों की हेल्प ना करो, इससे बेटर है कि आप उनको बताओ। आप जैसे 12th ईयर करके कोई भी बच्चा अगर सीए फाउंडेशन ज्वाइन करता है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे, क्या डिफरेंट है सीए फील्ड में या सीए फाउंडेशन में? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि हम कहाँ एंटर कर रहे हैं, और तुमने तो एंटर करके टॉप भी कर लिया है ऑलरेडी। सो 12th टू CA की जर्नी, क्या आपने पहले से सोचा हुआ था कि आपको सीए करना है? दीदी भी कर रही थी सीए फाउंडेशन, तो अपन को पता था कि क्या 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 आता है इस पेपर के अंदर, क्या चार सब्जेक्ट है, क्या उनका सिलेबस रहता, सब आइडिया था। बाकी सीए फाउंडेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द सिलेबस 12th का था। ओके, सो 12th से रिलेटेड बहुत सारा कोर्स है हमारे सीए फाउंडेशन, बहुत सारा कोर्स से रिलेटेड। सो 12th में भी बेसिक्स अच्छे हो गए थे जिस तरह फाउंडेशन में बहुत हेल्प मिली थी, और बाद में यहाँ पर आके तो बेसिक्स और भी स्ट्रांग हो गए, स्पेशली अकाउंट्स के अंदर। तो हाँ, मुझे ये भी आपसे पूछना था कि अकाउंट, सो बेसिकली मुझे पता है कि आपके अकाउंट में 94 मार्क्स है। आई मीन 94 इज अ वेरी वेरी हाई स्कोर, और 94 लाने का राज क्या है? अबाउ 90 तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हम स्कूल में लाते हैं, सो प्रोफेशनल एग्जाम आपका वो भी सीए फाउंडेशन जैसा, उसमें आप 94 स्कोर कर रहे हो, सो कुछ तो बात होगी जो आपने करा होगा। हमारे 12th के अंदर भी जो सर पढ़ाते थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे अकाउंट। शुरू से अकाउंट में बेस क्लियर रहा, बेसिक्स क्लियर है तुम्हारे अकाउंट्स के। दीदी ने बोला कि फोकस आप अकाउंट्स के बेसिक्स पे डालो, तो दीदी अलग अलग सवाल भी करती है क्लास में, नितिन सर भी अलग अलग सवाल करते हैं, बाहर से सवाल करते हैं, फिर दुकान पे पापा पूछने लग जाते कि अकाउंट्स ये कह रहा था तो ये नहीं आता वो नहीं आता, तो पूछ। मैं आज भी कोई भी चीज में एंट्री करने से पहले उसके बारे में हल्का सा बेसिक नॉलेज पीछे से रख रहे हो, ताकि अपने को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनी रहे। ओके, और आपकी अभी फीलिंग्स क्या है, घर पे कैसा माहौल है? नहीं, घर पे तो सब बहुत खुश है, मेरे दादाजी स्पेशली बहुत खुश है। ओके, और उनको देखकर आपको और भी ज्यादा खुशी हो रही होगी? हाँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मुझे विश्वास नहीं हुआ दीदी ने रिजल्ट निकाला था, दीदी बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैंने बोला कितने आए, 300 आ गए ही हमें, मेरी कहीं नहीं 343 आए, अपना है दिखा, तो मैंने देखा। और अकाउंट्स में रियली 94 मैंने सोच रखे थे, पर जितना मैंने आपका पेपर अच्छा गया। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, जिस हिसाब से आपके पेपर्स गए थे, क्या उस हिसाब से ही आपके मार्क्स आए? क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसा लगता है सीए फील्ड के अंदर कि यार हमारा पेपर बहुत अच्छा गया बट हमारा स्कोर कम हुआ है, सो आप इस चीज को रियलिटी को बताइए कि एक्चुअली में आपने जैसे पेपर दिए थे और आपको जैसे एक्सपेक्टेशन बनी थी आफ्टर गिविंग योर एग्जाम्स कि भाई इतना मैं स्कोर कर लूंगा, सो क्या वो फुलफिल हुई, कम हुई या ज्यादा हुई? मैंने जिस दिन पेपर दिए थे मैंने उस दिन नितिन सर को कह दिया था कि मैंने 350 आएंगे। ओके, सो यू आर श्योर कि आपके कहना था 350 अराउंड बन जाएंगे? मेरा पूरा 400 का पेपर अटेम्प्ट हुआ था, मुझे कहीं गलती दिख नहीं रही थी, थोड़ी लॉ के अंदर 4-5 नंबर की गलती दिखी थी मुझे, बाकी मेरे 400 में से 395 के सब में तो एकदम सही था। बाकी सीए आईसीआई की जो मार्किंग है उस सब देखते हुए मैंने सर को 350 बोल दिया, 350 का मैंने उस दिन कॉन्फिडेंटली बोल दिया था। जिस दिन सर के पास में पहली बार आया था कोचिंग में आया, तो सर ने बोला बेटा अपन को 325 नंबर लाने हैं ऊपर सर का, अच्छा 325 में क्या होगा, 350 तो लाएंगे, टारगेट बड़ा होना चाहिए है ना। तो सर ने बोला बेटा तो 325 ही बहुत है, 350 ही लाएंगे। लेकिन आपने इतने सारे मार्क्स लाकर शेखावाड़ी टॉपर बन गए, सर का, हमारा, पूरे प्रोफेशनल हब का, आपके घर वालों का, सो बहुत ज्यादा नाम रोशन किया है, एंड वी आर रियली रियली वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू पार्ट, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप इंटर में और क्या करते हो, और भी आपसे बहुत बहुत सारी बातें करेंगे। बस, वेरी ट्रू।
इस पर मैं फोकस डलवाना चाहूंगी तुम्हारा, एक मुझे कुछ इसके बारे में थोड़ा बता दो कंसिस्टेंसी के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि सीए जैसी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर अगर आप लोग खाली पर्टिकुलर डेज पर फोकस करोगे तो शायद वो काम ना बन पाए, लेकिन आप स्टार्टिंग से फोकस रखते हो, स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखते हो, तो हमारे लिए काम जो बहुत मुश्किल होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, थोड़ा सा ईजी हो जाता है। मैं इसको अच्छे से समझा सकता हूँ कि कंसिस्टेंसी हमारे क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि जब कंसिस्टेंसी अपनी टूट जाती है तब अपन को कैसा फील होता है। मेरा भी फाउंडेशन का ही दौर था, तो मैंने शुरू के 2-3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत एकदम अच्छे कंसेप्ट क्लियर थे मेरे, सब चला था कोर्स अबाउट 70-80% हमारा, बहुत जल्दी कोर्स हो जाता है, 70-80% कोर्स तब तक हो गया था, रिवीजन का ज्यादा टाइम मिल जाता है एकदम। तो बीच में मैंने 1 महीने तक छुट्टी मारी थी, छुट्टी हाँ okay. 1 महीने तक मैंने डालिंग के गया था और 2-4 जगह बॉम्बे वगैरह घूमने गया था, तो मैंने बीच में 1 महीने कोचिंग नहीं आया। तो जब मैं 1 महीने बाद आया तो हमारा जस्ट 5-7 दिन में लॉ का पेपर था, तो मैंने वो पढ़ा, मैंने जो सर ने मेरे को पढ़ाया क्लास में, तो 1 महीने पढ़ाया और मैंने 4-5 दिन में पढ़ा, पर फिर भी मैं लॉ के अंदर उसमें 40 में से कुछ 2.5 नंबर आए थे। फिर मुझे मालूम पड़ा कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, क्या कीमत है, कि अपन लास्ट मोमेंट में पढ़ के कुछ नहीं कमा सकते ऐसा। एग्जैक्टली। तो अपन को शुरू से अगर मैं पढ़ता जाता हूँ, अब मैं पेपर के दिन में अगर कुछ नहीं पढ़ता हूँ तो भी मेरे अबाउट 40 में से 30+ आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग से उस चीज को आपके माइंड में वो चीज ऑलरेडी फिट है। हाँ, और वो लास्ट के अंदर आती है हमारे दिमाग में सब एकदम बर्डन की तरह से आ गया, बाकी सब्जेक्ट्स का भी कवर करना होता है, सब होता है, तो वो कंसिस्टेंसी बीच में छूट जाती है। और बाद में उसके बाद में मेरे को जब सर ने समझाई है बात, तब शुरू धीरे धीरे चालू किया, फिर से स्पीड लिया, बाद में वापस 4-5 घंटे 4-5 घंटे रोज घर पे टाइम दिया, तो सबसे कंसिस्टेंसी बढ़ी। और लास्ट जो टाइम हो तो बाद में रात भी दिन रात का हमें पता ही नहीं होता है। हाँ, ये भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आर्ट्स, अगर मैं आर्ट्स में किसी चीज को डिफाइन करती हूँ, क्योंकि सब यही पूछते हैं कि मैम कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हमें बस इतना बता दो कि सीए फाउंडेशन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो उनको आपका क्या जवाब होगा अगर मैं टॉपर व्यू से देखती हूँ तो? सबका अलग अलग होता है, कोई लोग 5-6 घंटे डेली पढ़कर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और कुछ लोग 10 घंटे पढ़ के भी शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने कितने आवर्स दिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक? शुरू शुरू में तो 1-1.5 घंटा बस घर पे काम कर लेता था जितना कोचिंग में होता था। उसके बाद में बीच में 1 महीने तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, तो पूरी कंसिस्टेंसी टूट गई थी। फिर उसके बाद में अपन आए, फिर से अपन ने शुरू शुरू में तो कवर करने के लिए अपन ने वही 5-6 घंटे पढ़ाई करी, फिर जब बराबर आ गए तब वही 2-4 घंटे पढ़ी, और बाद में जब लास्ट में पेपर आए थे तब उन लास्ट के 1 महीने बहुत क्रूशियल था, वो 1 महीना, तो उसके अंदर मैंने दिन में पूरे दिन पढ़ाई कर ली, रात को जैसे अपन 9 बजे बैठता था, और दिन में कितने घंटे आप फिगर में बताओ चीज, कई काम रहते थे घर में, 4-5 आवर्स इफेक्टिव आवर्स की मैं बात करूं, 3-4 घंटे दिन में जाते थे। ओके, और रात को जैसे मेरा फिक्स था कि 9 से 1 अपन को पढ़ना है। ओके, सो अब नाइट स्टडी, नाइट स्टडी मेरे को सब कहते थे रात को पढ़ना नहीं चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए, तो सुबह मैं सो खा नहीं जाता था। नहीं नहीं, सबका अपना अपना होता है, मैं आई वाज आल्सो अ नाइट स्टूडेंट, तो मैं भी हमेशा रात को ही पढ़ी हूं, रात को पढ़ा हुआ बहुत इफेक्टिव होता है, सो ऐसा कुछ नहीं है। हां, मैं रात को ही पढ़ता था 9 से 1, मेरा वो फिक्स था वो टाइम, और वो सबसे गोल्डन टाइम मेरे लिए वही था कि 9 से 1 अपन को पढ़ना है, क्योंकि सब लोग एकदम शांति एकदम साइलेंट, बहुत सीरियस होकर उसमें पढ़ पाते हैं, पढ़ाई के टाइम सीरियसनेस बहुत जरूरी था। पापा ने मना कर रखे फोन नहीं चलाना घर पे रात को, तो फोन तो बंद करता था रात को, तब उस समय मुझे पढ़ाई होती थी वो एकदम सही होती थी, क्योंकि दिन में भी अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 3-4 घंटे पढ़ता था तो उसमें मैं आधी घंटे तो ऐसे वेस्ट होता था, किसी का मैसेज आया कि किसी का नोटिफिकेशन आ गया, डिस्ट्रैक्शंस होते थे। हां तो यही है, बाकी मैं उस समय पेपर के टाइम पे सोशल मीडिया भी बंद कर दिया था, पर ऐसे अपन को रखना चाहिए बस सोशल मीडिया, मतलब ये मानता हूँ क्योंकि आज अपन बिजनेस फील्ड के अंदर अपने कॉन्टेक्ट्स भी होते हैं, कॉन्टेक्ट्स रखने भी चाहिए, बिना कॉन्टेक्ट्स अपन बिजनेस नहीं कर सकते, तो अपन को सोशल मीडिया चाहिए ऐसे कॉन्टेक्ट के हिसाब से, वो नीड है, वो नीड है। इनफैक्ट मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आज के टाइम पर आप लोग सोशल मीडिया को हल्का सा अपने साथ रखकर भी आप सब कुछ परफॉर्म कर सकते हो, अगर आप जो करना चाह रहे हो उसके लिए आप सीरियस हो, आप जब वो पढ़ाई करो तब आप टोटली सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, करेक्ट, और
जब आप बाकी काम कर रहे हो तब आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब व्हेन यू आर स्टडिंग, जब आप वो ड्यूरेशन दे रहे हो उस टाइम पर आपका फोकस पर्टिकुलरली पढ़ाई पर होना चाहिए, वो आपका रात को होता था। इन शॉर्ट रात को फोन भी नहीं रहता था, और इनफैक्ट मैंने लास्ट के एक महीने में सारा सोशल मीडिया पर डीएक्टिवेट कर दिया था। ठीक है, वो जरूरी है, लास्ट वो जरूरी है, और वरना ऐसे भी चलता रहता है मैं सारे सोशल मीडिया पे हूँ वैसे। हाँ बिल्कुल, हमें पता है। ओके ओके, सो बहुत अच्छा लगा पार्थ आपके साथ बात करके, आपने बहुत सारा बताया कि की टू सक्सेस क्या है, प्रोफेशनल हब में आपकी जर्नी कैसी रही और क्लासेस कितनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप क्या क्या सोचते हो कि ना क्लासेस लेना इम्पोर्टेंट है या सेल्फ स्टडी से काम चल सकता है? क्लासेस एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी क्लासेस देना। कैसे? सेल्फ स्टडी से अपन को जितना नॉलेज है, अपन जितना बुक में पढ़ सकते हैं उतना ही अपन पढ़ सकते हैं। क्लासेस जो होती है अपन को कुछ एक्स्ट्रा देती है, उससे अपन जितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा एक्स्ट्रा देती है। अपन को समझना है तो अपन को क्लास देनी चाहिए, अगर अपन को उसके बाद में अगर कुछ करना है तो अपन को सेल्फ स्टडी लेनी चाहिए, क्लास दूसरी बार नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, वरना उसकी अपन को आदत पड़ जाती है। मेरे को सर ने भी ऐसा कहा था कि एक बार भी परफेक्ट ले लो, एक बार में परफेक्ट ले लो, अगर नहीं होता वो खुद से पढ़ो दूसरी बार। ये नहीं कि आप पेपर से पहले वो क्लास की रिकॉर्डिंग लेकर सुनने लग गए, वो गलत हो जाएगा। वो वापस अगर आपको पेपर से अगर पहले पढ़ना है तो वो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए उसको समझने के लिए क्लासेस लेनी बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों ही चीजें जरूरी है। और दोनों का एक बैलेंस होता है कि आपको पहले क्लास देनी है उसके बाद उसकी सेल्फ स्टडी करनी है। आप क्लास हमेशा आते थे उस एक महीने के अलावा? मैं क्लास आज क्लास आपने मिस नहीं करी, क्योंकि जितना मुझे भी आपका आइडिया है और जितना मुझे आपके लिए याद है वो आपने क्लास, आप हमेशा यू आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द क्लास, और क्लास में प्रेजेंट होना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। वरना स्कूल में ऐसा होता था कि अपन को स्कूल नहीं जाना है, मन नहीं करता है, पर यहाँ पर जो इस तरह का जो माहौल था, स्पेशली यहाँ पर मैं माहौल की बहुत तारीफ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो एनवायरनमेंट अपना यहाँ पर है उस हिसाब से बहुत तारीफ वाला एनवायरनमेंट है। क्योंकि मुझे लगता है अपने यहाँ पर ना ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है ना ही ज्यादा लीनियंट है, कि भाई बहुत ज्यादा लीनियंसी भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है, सो वो दोनों चीज का बैलेंस बनकर जब चलता है तो पार्ट जलान जैसे बच्चे बढ़कर आते हैं। बाकी हमारे सर भी ऐसा था कि गुस्सा करते तो हंस के गुस्सा करते थे, हंस के करते थे तो वो हंस भी और गुस्सा भी कर रहे हैं, वो दोनों चीजें बैलेंस हो रही है, सब जगह बैलेंस है। आप माइंड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है जी जी, अभी स्ट्रेस कहीं नहीं आया दिमाग में, स्ट्रेस आना भी नहीं चाहिए। अभी तो आप जस्ट एंटर करे हो वैसे भी सीए फील्ड के अंदर, और जब हम एंटर करके कुछ अच्छा पा लेते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन रहता है आगे के लिए। मुझे तो लगता है कि कुछ अच्छा करना इसीलिए जरूरी है कि हमको आगे के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है ना। ऑल्दो फेलियर से डीमोटिवेट होना कोई भी आपका सोल्यूशन नहीं होता किसी चीज का, लेकिन कुछ अच्छा कर देना जरूर हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स बन जाता है। करेक्ट, ओके पार्थ, सो थैंक यू सो मच एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल हब, और आपसे मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे।